कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सोलर रेडिएशन से रिलेटेड हैं, जैसे बीम और डिफ्यूज रेडिएशन, इरेडियंस और इरेडिएशन, उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सोलर रेडिएशन जो है, जब वो एटमॉस्फेयर के ऊपर आती है, टॉप पे आती है, तो फिर वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ पार्ट उसका स्कैटर हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो जब सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस तक आती है तो वो कुछ कम हो जाती है, जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर जो थी उसकी वैल्यू से, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है जब ये अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है। जब अर्थ की सरफेस तक सोलर रेडिएशन जो आ रही है, उस रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो मेन टर्म्स यूज़ करते हैं, डायरेक्ट रेडिएशन और बीम रेडिएशन, ये एक कॉम्पोनेंट है। और दूसरा जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो होता है डिफ्यूज रेडिएशन का। डायरेक्ट या बीम रेडिएशन जो है, ये वो पर्टिकुलर रेडिएशन है जो कि सन से आ रही है विदाउट एनी स्कैटरिंग, बिना स्कैटर करे, बिना टकराए, जो बिल्कुल सन की डायरेक्शन में ही आती है अर्थ तक, उसको हम डायरेक्ट रेडिएशन या बीम रेडिएशन कहते हैं। जो परछाइयाँ बनती हैं, जो शेडोज फॉर्म होती हैं, ये डायरेक्ट रेडिएशन या बीम रेडिएशन की वजह से ही होती हैं। डिफ्यूज रेडिएशन जो है, ये पर्टिकुलर वो कॉम्पोनेंट है रेडिएशन का, सोलर रेडिएशन का, जो कि एटमॉस्फेयर या क्लाउड से टकराने के बाद में अर्थ तक आ रहा है। तो जब डिफ्यूज रेडिएशन आता है तो उस केस में, क्योंकि ये टकरा के आ रहा है, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, और इसी वजह से इसमें कोई शेडो फॉर्म नहीं होती, परछाई नहीं दिखती है। डायरेक्ट रेडिएशन के केस में हमें परछाइयाँ दिखेंगी, शेडोज दिखेंगे, डिफ्यूज रेडिएशन के केस में हमें शेडोज नहीं दिखती। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम ये देख मान सकते हैं कि जैसे मान लिया कि अगर क्लियर स्काई डे है, जिस समय सन बिल्कुल क्लियर है, आसमान साफ है और सूरज पूरा चमक रहा है, तो उस केस में जब सोलर रेडिएशन आती है तो अगर कोई पेड़ है तो उस पेड़ की परछाई हमें ग्राउंड पे नज़र आएगी। अगर तभी मान लिया कि सूरज के ऊपर बादल आ गए तो उस केस में डायरेक्ट रेडिएशन कट हो जाएगी, और जो रेडिएशन होगी, जो उजाला हमें दिख रहा है, वो रेडिएशन डिफ्यूज रेडिएशन के कारण है, और उस केस में परछाइयाँ हमें नहीं दिखती। एक और टर्म है जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसे हम कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो जो है, ये एल्बिडो रेडिएशन को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि जो अर्थ की सरफेस से टकरा करके रेडिएशन जब लौटती है, जो रिफ्लेक्ट होकर लौट रही है, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो वो है जो कि अर्थ के सरफेस से टकरा के वापस लौट रही है, जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है। अब हम आते हैं इरेडियंस और इरेडिएशन पे, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इरेडियंस की यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में पावर है, जो कि ये बताता है कि किस रेट से रेडिएंट एनर्जी किसी सरफेस पे पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे आ रही है। इरेडिएशन जो है, ये एनर्जी पर स्क्वायर मीटर होती है, इसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर है। ये बताता है कि कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जब हमारे पास में अगर इरेडियंस है, जो कि वाट पर मीटर स्क्वायर में है, तो इसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें या हम इंटीग्रेट कर दें इरेडियंस को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर किसी घंटे पे या किसी एक पूरे दिन के ऊपर, तो उस केस में हमें इरेडिएशन मिल जाती है। तो इरेडिएशन जो है, वैसे इरेडियंस और इरेडिएशन, ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये किसी भी रेडिएशन के लिए यूज़ करे जा सकते हैं। पर जब हम सोलर एनर्जी के लिए बात करते हैं, तो सोलर एनर्जी इरेडिएशन को हम इंसोलेशन कहते हैं। तो इंसोलेशन एक टर्म यूज़ करी जाती है जो कि सोलर एनर्जी इरेडिएशन के लिए काम में आती है। इस पर्टिकुलर फिगर में आप ये देख सकते हैं कि सोलर इरेडियंस को प्लॉट कर रखा है, और यहाँ पे टाइम दिखा रखा है सनराइज, नून और सनसेट। हमको क्लियर नज़र आता है कि सनराइज से इरेडियंस इंक्रीज करती है, नून तक मैक्सिमम पीक आ जाता है, और फिर सनसेट पे ये वापस कम होने लग जाती है। ये जो पूरा कर्व है, जो ये लाइन दिख रही है, ये इरेडियंस की है, जो कर्व है, जो कर्व्ड पार्ट है, और इसके नीचे का जो एरिया होता है, वो एरिया इरेडिएशन को शो करता है, जिसे कि हम इंसोलेशन कहते हैं। और इसे निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है, इस कर्व का एरिया अगर हम लेते हैं तो ये सोलर इरेडिएशन या सोलर इंसोलेशन कहलाता है। थैंक यू सो मच।